वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मैं हूं आस्था और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो MF सेंट्रल पर साइन अप कैसे करें। MF सेंट्रल क्या है एंड क्यों है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बना चुकी हूं जिसका थंबनेल आपको यहां दिख रहा होगा एंड लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम समझते हैं इसका क्विक प्रोसेस ऑफ साइनिंग अप। तो आपको जो MF सेंट्रल का वेबसाइट का लिंक है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुलेगी जहां पर MF सेंट्रल का पूरा पोर्टल होगा। आपको राइट कॉर्नर में जाना है जहां पर साइन अप का एक दिखेगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा। यहां पर आपके पास आपके पैन नंबर की डिटेल रहनी चाहिए जो आप फिल करोगे और आपका पैन नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जनरली लिंक्ड रहता है वो आप मोबाइल नंबर भी यहां पर फिल करोगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यू आर नॉट अ रोबोट उस पर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करके आप फाइनली अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उससे रिगार्डिंग जो आपको OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद आपको वेरीफाई द OTP पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी उसमें आपको आपका नाम देना है। अब नाम आप प्रेफरेबली वही दें जो आपकी पैन में गिवन है। नाम देने के बाद आपको आपका पासवर्ड भी सेट करना है जिसमें आप नीचे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो कि मिनिमम 8 लेटर का होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। दोनों ही पासवर्ड सेम करने के बाद आप फिर से सबमिट पर क्लिक करोगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और न्यू स्क्रीन खुलेगी जहां पर आपके सामने 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस का पर्पस ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप भी लॉगिन करेंगे अपने पैन या पासवर्ड के साथ उसके बाद इन पांचों में से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप जो भी आंसर फिल करते हैं वो आपको याद रहे, इसीलिए बेटर होगा कि आप उसको किसी एक जगह पर लिख लें। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ 10-12 ऑप्शंस हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपका वो क्वेश्चन क्या होगा। तो जो भी क्वेश्चन जिससे आप अपने आप को ज़्यादा रिलेट करते हैं, जिसका आंसर आपको याद रहेगा, वो आप एक एक करके यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जब आपने अपने सारे ही क्वेश्चंस और आंसर्स फिल कर लिए हैं और उनको अलग जगह पर नोट डाउन भी कर लिया है तो अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं जिससे कि हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज आपको बताता है कंग्रेचुलेशंस कि आपका फाइनली अकाउंट साइन अप हो चुका है। अब आप दोबारा साइन इन के पेज पर जाओगे तो आप अपना पैन नंबर फिल इन करेंगे एंड उसके साथ ही आपके पास दो ऑप्शंस हैं, OTP या पासवर्ड। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने पासवर्ड ही रखा है, तो जो भी पासवर्ड आपका था वो 8 मिनिमम कैरेक्टर्स वाला, उसको आप फिल करेंगे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके वापस से साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे वो आपसे कोई ना कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। जो भी वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज किया होगा एंड जो भी उसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल करेंगे एंड फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे फाइनली आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आपके पास एक छोटा सा नोट होगा नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ही आपको वहां पे जस्ट ओके क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा विच इज द डैशबोर्ड फॉर MF सेंट्रल। यहां पे आपको दिख रहा होगा व्यू पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्ट, सबमिट सर्विसेज रिक्वेस्ट। तो लेफ्ट साइड पे जो पोर्टफोलियो कॉलम है उसमें आपको एक्चुअली ये पता चलेगा कि आपने जो भी म्यूचुअल फंड्स बाय कर रखे हैं एक जगह से या बहुत सारे फंड हाउसेस से, वो सारी ही डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। एसेट एलोकेशन या फिर फंड हाउस वाइज डिटेल्स अलग अलग तरीके से आपको वो मिल जाएंगी। इनमें से जो भी आपको प्रोसीजर करना है वो आप चूज कर सकते हैं, लमसम SIP या इन्वेस्ट मोर, रिडम्पशन, स्विच, ई मैंडेट, STP, SWP या फिर सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन। इसके बाद लेफ्ट साइड पे ही नीचे सर्विसेज रिक्वेस्ट भी होंगी। जब आप उन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज आप चाहते हैं अवेल करना या उनमें से कोई भी, वो सभी की सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पर 14 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू साइन अप इन MF सेंट्रल। काफ़ी इजी प्रोसेस है एंड आपकी ईज के लिए बनाया गया है, तो एक बार ज़रूर विजिट करें एंड इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस MF सेंट्रल के बेनिफिट को आराम से इंजॉय कर सके। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे investment options using stockometer, fundometer and model portfolios, and do not forget to use the coupon code AK30. Thank you so much.